गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे, तो मैं आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तेरी माँ की तरह नहीं जो अपने पुत्रों को उनकी इच्छाएं पूरी करने से रोकूं, और तू भी उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं बनेगा। स्मरण रहे, केवल मेरा ही नहीं, मेरे पुत्रों का दास भी है तू। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। जो आज्ञा महारानी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्रों के हित के लिए सबसे उत्तम क्या है, इस बारे में मेरे और मेरे स्वामी के विचार बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मैंने पहले भी कहा था, एक पिता अनासक्त हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं है। और इसलिए मैंने उस गरुड़ रूपी संकट को अपने मार्ग से हटाने के लिए एक ऐसा उपाय सोचा है जिसकी काट संभव नहीं है। सत्य कहा तुमने, तुम्हारा उपाय अचूक है। जो तुमने सोचा वही होगा। विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्य देव और गरुड़ की भेंट अवश्य हुई थी, किंतु उसने सूर्य लोक में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्य लोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव। उसके पंख जल जाएंगे, मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। पर क्या सूर्य के भीषण ताप से तड़पने वाला केवल गरुड़ नहीं होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे पुत्र भी उस अकल्पनीय जन्म को अपनी त्वचा पर सहने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या कह रही है तू? गरुड़, चलो चलो चलो। रुक जा गरुड़, कहीं माँ ने देख लिया तो वो रोक लेंगी और सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। गरुड़, समय क्यों नष्ट कर रहे हो, अब उड़ो भी। ऊंचाई से हमारा महल कितना छोटा लग रहा है। वो माँ है क्या? हाथों के संकेत से ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें विदा कर रही है। कहीं इसे पता ना चल जाए कि माँ हमें रोकने का प्रयास कर रही है। अरे गरुड़, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे और ऊपर उड़ो ना। हाँ,
तुम नीचे कहाँ देख रहे हो? कहीं बादलों से टकरा गए तो? उड़ो। माँ, क्या हुआ? माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ माँ, बोलिए कुछ। बोलिए माँ। ये तो गरुड़ है। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। और इसके साथ हमारे भाई, ये उन्हें खा लेकर जा रहा है। सूर्य योद्धा, मैंने आदेश दिया था गरुड़ को वहां पे जाने के लिए, ये सोच करके उसके पंख चल जाएंगे, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये तो मेरे पुत्र को लेकर चला गया। अरुण, नीचे आ। तू दास है हमारा, हमारी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। माँ, ये बहुत ऊंचा उड़ चुका है, हमारे स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। ये कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना चला जाए, इसकी माँ का स्वर इस तक अवश्य पहुंचेगा। विंता को उसका स्वर सुनाई देगा। कल्पना भी नहीं की थी आकाश में इतना आनंद आएगा। गरुड़, तुम इससे भी तीव्र गति से उड़ सकते हो क्या? हाँ, परंतु तुम क्या हमें दुर्बल समझते हो? अरे तुम अगर शक्तिशाली हो ना तो हम भी कम नहीं हैं। चुपचाप गति बढ़ाओ। हम अंतरिक्ष में आ गए। गौतम जी भैया, कितने सारे तारे। अरे नीचे देखो, हमारी पृथ्वी। अरे हाँ, पृथ्वी पे रहते हुए तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम ही सबसे महान हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से तिनके के बराबर है। तो फिर हम कितने छोटे हुए। अच्छा ही हुआ कि ये सब मेरे साथ इस यात्रा पर चले आए। संभव है यह अनुभव इन्हें विनय का महत्व सिखा दे और पृथ्वी पर लौटने के बाद ये सब माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए बड़ी माँ को मनाने में मेरी सहायता करें। विंता, 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 कद्रू देवी का स्वर था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे पुकार रही हो? पर वो यहां वन में क्या करेंगी? विंता, 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 मेरे पुत्र को बचा ले, उनकी रक्षा कर विंता, उनकी रक्षा कर। पर हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वापस बुला ले उसे। सोच कह रही है, वापस आने का आदेश दे उसे। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और किसे वापस लौटने का आदेश दूं मैं? गरुड़ को। मैंने उसे सूर्य पुष्प लाने भेजा था, किंतु
किंतु मेरे पुत्र भी उसके पीछे चले गए। मैंने बहुत पुकारा उसे धरती पर वापस आने के लिए, कहा कि तुझने मेरी नहीं सुनी, वो बहुत दूर जा चुका, मेरी ध्वनि उस तक नहीं पहुंच रही है, तू बुलाना उसे, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित रह पाऊंगी। पिता तू ही है जो उसकी रक्षा कर सकती है, बुला ले अपने पुत्र को वापस, बुला ले, बुलाना, बुला अपने पुत्र को। हाँ, आप चिंतित मत होइए, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। माँ क्यों पुकार रही है और वो इतनी चिंतित क्यों लग रही है? करुण, गति कम करने की सोचना भी मत। हमारी माँ ने तुम्हें जो कार्य दिया है ना, उसे पूरा किए बिना तुम वापस नहीं लौट सकते हो। भूलो मत करुण, तुम सिर्फ अपनी माँ के पुत्री नहीं, हमारे दास भी हो, इसलिए तुम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम आदेश ना दें। स्मरण रखना गरुड़, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो परिणाम तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा। दास बने केवल दो ही दिन हुए हैं और अभी से कितना विवश हो गया हूँ मैं कि चाह कर भी अपनी माँ के पास लौट नहीं सकता, तो फिर माँ के लिए कितना कठिन, कितना दुखद होता होगा अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन सब के आदेश का पालन करते रहना बिना रुके लगातार, उन्हें ऐसे जीवन नष्ट करते नहीं देख सकता मैं। करुण वापस क्यों नहीं आ रहा है विंता? पता नहीं दीदी, मेरी पुकार सुनकर वो वापस लौट कर ना आए ये संभव नहीं है, हो सकता है कि मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना रही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के अनसुनी कर रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो इस अवसर का उपयोग अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर रहा हो। अवश्य ही उसने अंतरिक्ष भ्रमण का लोभ देकर हमारे भाइयों को अपनी मीठी बातों में फंसाया होगा ताकि वो अकेला घायल ना हो, और मृत्यु का संकट केवल उस पर नहीं हमारे भाइयों पर भी आए। मेरा पुत्र तुम सब जैसा नहीं है, नैतिक मूल्यों का सम्मान करता है, मेरे दिए संस्कारों को मानता है, वो किसी को अपनी मीठी बातों में नहीं फंसाता, केवल सत्य और धन के मार्ग पर चलता है मेरा पुत्र। सब समझ में आ गया मुझे, आपने आज पवन की चर्चा इसलिए की क्योंकि आप चाहती थी कि मैं अपने पुत्र को छोड़कर यहां वन में आऊं और उसे सूर्यलोक जाने से रोक ना पाऊं। भली भांति जानती थी आप सूर्यलोक में प्रवेश करना और वहां से सूर्य पुष्प लेकर वापस लौटना असंभव था, फिर भी आपने उसे यह आदेश दिया ताकि इसका पालन करने के कारण सूर्यदेव क्रोध में आ जाए और ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करे कि मेरे पुत्र के पंख जल जाए और उसके प्राण। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कीजिए। अपने पुत्र को बुलाइए, यदि मेरे भाइयों का तनिक भी अहित हुआ तो मैं बस और अब शब्द नहीं। वर्मा कालिया, आज मैं विंता से एक महारानी की तरह नहीं, एक मां की तरह बात करना चाहती हूं। तुम भी एक मां हो, यदि अपनी संतान को कोई कष्ट होता माँ को बहुत असहनीय पीड़ा होती है, ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है।
जानती हूँ तुम मुझसे क्रोधित हो। हो सकता है मुझे दंड भी देना चाहती हो और मुझे तुम्हारा हर दंड स्वीकार होगा, किंतु मेरे पुत्रों को दंड मत दो विंदा। अपने पुत्र को वापस बुला लो। बुला लो अपने पुत्र को वापस। जब तक आप मेरे भाइयों की सहायता नहीं करती, आप यहां से नहीं जा सकते। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए और मैं वही करूंगी। चाहे तुम सब मेरे और मेरे पुत्र के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र क्यों ना रचो, मंदिर जाना है मुझे। अपनी पुकार मेरे पुत्र तक पहुंचाने के लिए मुझे महाविष्णु का आशीर्वाद चाहिए। मुक्त करो मुझे। जैसे भी हैं पुत्र समान है मेरे, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। किसी भी अहित की ज्वाला ना तो नांगों तक पहुंचे और ना ही मेरे पुत्र गरुड़ को जलाए। वो सब सकुशल धरती पर लौट आए। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रणाम चंद्रदेव। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? बड़ी मां का हवन करना है चंद्रदेव, इसलिए मैं सूर्यलोक जा रहा था सूर्य पुष्प लाने। मेरे नाग भाइयों को अंतरिक्ष भ्रमण करना था, इसलिए मैंने भी साथ ले आया। सूर्यलोक जा रहे हो तुम सब? तुम्हें पता भी है वहां का ताप कितना अधिक है? सूर्यदेव को दूर से प्रणाम करना तो फिर भी आसान था, परंतु सूर्यलोक में प्रवेश करना असंभव है। सूर्यलोक में प्रवेश करने से पहले ही तुम्हारे पंख जल जाएंगे और तुम्हारे इन भाइयों का तन यदि जलकर पूरी तरह से भस्म नहीं भी हुआ तो भी इनके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रदेव का कहना सही है, इस यात्रा में बहुत संकट है और आप सभी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ये। मुझे लगता है कि मुझे इसी समय आप सबको घर लेकर चलना चाहिए। करुण, कहा जाता है पृथ्वी पे जन्म लेने वाला कोई भी देहधारी अपने देह के साथ वैकुंठ तक नहीं जा सकता, पर तुमने ये करके दिखाया ना। और हम सब केवल इसलिए वापस लौट जाए कि इस यात्रा में हम सबके प्राण संकट में? ऐसा नहीं हो सकता गरुण। हमारी माँ ने हमारे जन्म के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी, हमारी माँ ने कितने मन से वरदान मांगा था कि मुझे महाशक्तिशाली पुत्र हो। माना कि हम अपने बड़े भाइयों की तरह शक्तिशाली नहीं,
मगर हम सब मन से योद्धा हैं। बिल्कुल सही कहा सरकुटा, हम वापस लौट के नहीं जाएंगे गरुड़, हम अपनी माँ को निराश नहीं कर सकते हैं, हम सूर्य लोग जाएंगे और ये हमारा आदेश है।